दोस्तों, आज हम बना रहे हैं मज़ेदार और यमी यमी वलैती टिंडे, जिनको चपनी टिंडे भी कहते हैं, उसकी रेसिपी है। और भरपूर मसालेदार हम बनाएंगे आज की रेसिपी। उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को पसंद आएगी। तो चलें आज की शुरू करते हैं वीडियो, आज की रेसिपी वलैती टिंडों की। इनको हमने बिल्कुल जो है ना, सिर्फ ये टॉप वाली और बैक वाली उतारनी है और बस, बाकी इसके उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो सब्ज़ी तैयार कर लीजिए, देख, क्योंकि बाकी अगर उतारेंगे तो सारा आपका जो है ना, वो सब्ज़ी ज़ाया हो जाएगी। साथ आज जो हमारी इतवार की रूटीन है, आज हम बनाएंगे मज़ेदार टिंडे की सब्ज़ी। वलैती टिंडे बना रहे हैं। टमाटर हमने ले लिए हैं, 3 ज़्यादा टमाटर है, अदरक और लहसुन, और ये प्याज, प्याज की हमने ग्रेवी बनानी है, तो इसमें 3 से 4 प्याज डालेंगे। अभी सब्ज़ी हम धो के काट लेते हैं, प्याज वगैरह काट। ये रहा प्याज हमारा, पहले को रेडी हो गया, हमने काट लिया, चॉप कर लिया। टमाटर और सब्जी भी बिल्कुल रेडी है, शुरू करते हैं इनको। सब्जियों को पहले धो लेंगे, उसके बाद चूल्हा ऑन करते हैं और सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। चला जी, हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, हमने काट के धो के अच्छी तरह। ये शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अल्लाह के पाक और बाबर के नाम से चूल्हा ऑन कर लिया और पतीली हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया। अभी घी डाल लेते हैं। देखो, 100 ग्राम घी डालेंगे। घी को गर्म होने देते हैं और उसके बाद इसमें प्याज शामिल करेंगे। चलें जनाब, अभी चूल्हे को थोड़ा सा और तेज़ कर लेते हैं। अभी शामिल करते हैं प्याज, चॉप किए हुए तकरीबन हमने 2 प्याज डाल रहे हैं इसमें। प्याजों को हमने ब्राउन करना है, प्याजों को ब्राउन होने तक हम पकाएंगे। चलें जनाब, प्याज हमारे हाफ कुक हो चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं। अभी हम शामिल करते हैं 2 अदर टमाटर जो चॉप किए हुए थे, टमाटर वो शामिल कर देते हैं। और तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है हमने पकने देने हैं, टमाटर भी प्याजों के साथ ही। टमाटर हमारे गल चुके हैं, अभी हम शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का जो पेस्ट बनाया हुआ है, तकरीबन 1-1 चम्मच, और ग्रीन चिली ये भी तकरीबन 4 से 5 अदर कटी हुई वो डाल देते हैं। अभी इनको मज़ीद जो है ना, भून लेते हैं अच्छी तरह। अभी हम डाल देते हैं इसमें नमक। नमक हमने 1 चम्मच डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। हल्दी तकरीबन 1/4 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी भी डाल दी हमने, 1 चम्मच हल्दी हमने डाल दी। और रेड चिल्ली डालेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच, सिर्फ मिर्च डाल देंगे। अभी मिक्स करते हैं, थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और मिक्स कर लेते हैं इसको। थोड़े से पानी से ये होता है कि मसाला जो है ना, ये जलता नहीं है और आपको आँखें आपकी जलेंगी नहीं और नाक चलेगा नहीं। पानी डाल दिया हमने, अभी मिक्स कर लेते हैं। मिर्च को अच्छी तरह भूनना है, मिर्च मसाला जो भी है, प्याज वगैरह, इनको अच्छी तरह भून लेना है। और उसके बाद हम अपनी सब्ज़ी शामिल कर लेंगे। जनाब, हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी हम इसमें वलैती टिंडे जो है ना, वो शामिल कर देंगे। हम बनाएंगे इनको दम पे लगाएंगे, इसके अंदर पानी शामिल नहीं करना, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगा। बगैर गोश्त के इसका अपना जायका जो है ना, बहुत ज़बरदस्त होता है। चलें जनाब, अभी शामिल कर देते हैं टिंडे, वलैती टिंडे डाल देते हैं। ये तकरीबन हम 1 किलो ले रहे हैं। अभी इनको मिक्स कर लेते हैं, पानी नहीं डालेंगे, बल्कि हल्की आंच पे जो है ना, दम लगा देंगे। ये दम के अंदर पर हमारे जो है ना, वलैती टिंडे जो है ना, चपनी टिंडे दम में बनेंगे। तो अभी इसमें सब्ज़ी मिक्स कर ली हमने मिर्च वगैरह के अंदर। अभी हल्की आंच के ऊपर जो है इसको हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे, उसके बाद दम लगा देंगे। दम के अंदर जो बनेगी तकरीबन 10 मिनट हम लगाएंगे दम के लिए, और हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। चलें जनाब, अभी हम इसको दम पे लगा देते हैं तकरीबन 10 मिनट के अंदर जो है हमारा ये दम वाले टिंडे बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। वलैती टिंडे, चपनी टिंडे बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगा देते हैं। चलें जनाब, दम लग गया। अभी 10 मिनट तक आप हमारे साथ रहें, इंतज़ार करें, फिर आते हैं, आपसे मिलते हैं। चलें जी, 10 मिनट हो, चलें जनाब 10 मिनट हो चुके हैं। अभी हम अपना रेसिपी चेक कर लेते हैं। वलैती माशाल्लाह, देखें कितनी ज़बरदस्त और प्यारी प्यारी लुक आ रही है हमारे टिंडों की, जो टिंडे बनाए हमने।
लहती टिंडे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अभी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे मसाला, गरम मसाले के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे ज़ीरा और काली मिर्च कुटी हुई, और मसाला डाल दिया, ठीक है, एक चम्मच जो है ना हमने मसाला डाल दिया, तो हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई है। अभी रोटी बनवाएंगे और मज़े से इंजॉय करते हैं। ओके हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारी आज की जो रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब ये देखें हमारी आज की भी रेसिपी, आप लोगों को हमारी YouTube फैमिली को पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतनी, इंशाल्लाह कल फिर किसी नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।